मांग है हमारा, चूंकि पांडे नेता और पूरे सदन का मांग रहा है बिहार विधानसभा विधान परिषद का कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, जो हमारा हक है, और देखेंगे समझेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कृपया करेंगे, बस यही हम लोग का मांग है। हमारा पटना विश्वविद्यालय एशिया का एक नंबर वन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 7 नंबर पे आता था, उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर से आग्रह करते हैं कि विशेष राज्य को दर्जा दिया जाए। मेरा पहला प्राथमिकता और पहला डिमांड भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह की समाप्ति है और वहां पर आ रहे हैं, और ऐसे में जदयू कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो तैयार हो गई है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार के आवास पर सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, आज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? देखिए बहुत खुशी हो रही है, आज हमारा बिहार का महापर्व है और उसके उद्घाटन में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। इसके स्वागत में हम सभी लोग खड़े हैं, पूरे देश पूरे बिहार में खुशी का माहौल है और आ रहे हैं उनका वेलकम के लिए। हम लोग तैयारी में सब लोग जा रहे हैं, पार्टी के लोग सारे लोग। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बिहार विधानसभा में आ रहे हैं, खुशी हो रही है कि नीतीश बहुत कुमार खुशी के है, क्योंकि इससे पहले भी आए थे लेकिन इसमें शताब्दी है, समापन है, तो आज अरे खुशी की बात ही है। आज खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर के हाथों आज जैसे कि शिलान्यास होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है, तो पूरा खुशी का माहौल है पूरे पूरे बिहार में। हम लोग सारे कार्यकर्ता सारे लोग उनके वेलकम के लिए तैयार हैं और हम लोग एयरपोर्ट से ही इनको स्वागत कर करके सभा स्थल के लिए जाने का काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट से ही देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और सभी कार्यकर्ता आप इधर देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो खुश हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बिहार विधानसभा में आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता हैं, देश के प्रधानमंत्री 1 घंटे के लिए पटना आ रहे हैं। अच्छा, आपको अगर कहा जाए कि नरेंद्र मोदी कहें कि हमको पटना का कोई अच्छा जगह घुमाए, क्या क्या घुमाइएगा पटना में? फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गंगा किनारे मैंड्रीव का शासन किए, जो सपना था ड्रीम प्रोजेक्ट घुमाने काम करेंगे हम लोग, मरीन ड्राइव का। आप चाहेंगे कि मरीन ड्राइव एक बार घूमें? हाँ, चलिए और भी कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे कि देखिए आइए क्या क्या करें। अगर प्रधानमंत्री कहें कि हमको कहीं घुमाइए पटना का कोई अच्छा जगह, कहाँ घुमाइएगा? प्रधानमंत्री जी के घूमने के लिए माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं, उनके पास समय अगर हो तो पटना का नया मरीन ड्राइव बना है, पटना का म्यूजियम नया वाला बना है, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए पूरे बिहार में हर जिले में, खास करके बगहा तरफ जाइए आप, वाल्मीकि नगर में जो पार्क बना है, तो ये सब चीज़ मांग है हमारा, चूँकि पांडे नेता और पूरे सदन का मांग रहा है बिहार विधानसभा विधान परिषद का कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, जो हमारा हक है। दूसरा, हम लोग छात्र राजनीति करते हैं, छात्र नेता हैं, पटना विश्वविद्यालय को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जब माननीय मोदी जी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने मंच से मांगा था प्रधानमंत्री जी से कि केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कहा था कि इससे बड़ा कुछ देंगे नहीं, उन्होंने बताया था कि ये कोई क्राइटेरिया बताया था, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में एकमात्र हमारा जो पटना यूनिवर्सिटी है वो हर चीज़ क्राइटेरिया फुलफिल करता है, अच्छा कदम होता, और उनसे उम्मीद है कि इस बार आ रहे हैं तो कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रों को दे दें, आगे युवाओं के भविष्य के लिए करके जी। क्या आप भी छात्र जीवन के लग रहे हैं, क्या लगता है कि आज क्या मांग रहेगा? तो हमारा अगर कि घुमाने के लिए तो क्या घुमाइएगा? घुमाने की बात तो है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया है बिहार का धरोहर जो गंगा मैरिन ड्राइव पाथवे जो है, वहाँ तो उनको पहले घूमना चाहिए, पहले वहाँ घूमना चाहिए। और मांग की बात है तो हमारा पटना विश्वविद्यालय एशिया का एक नंबर वन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 7 नंबर पे आता था, उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर से आग्रह करते हैं कि हमारे उस विश्वविद्यालय को, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, जिससे कि हमारे छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और लोग पढ़ेंगे और हमारा बिहार में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय स्थापित होगा। अच्छा, स्थापित होगा। चलिए, तो और भी कार्यकर्ता हैं, देखिए किस तरीके से सभी कार्यकर्ता जो हैं वो अपना नाम लिखा रहे हैं और बाहर आएंगे, बाहर भी कार्यकर्ताओं की एक हुजूम है और कार्यकर्ता जो हैं वो खुश हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो आ रहे हैं, बिहार विधानसभा में आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा सर, प्रधानमंत्री
आ रहे हैं पटना, एक घंटे के लिए आ रहे हैं, बहुत कम समय के लिए आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री कहें कि हमको कहीं बिहार पटना का सबसे अच्छा चीज़ घुमाइए जो नीतीश कुमार ने बनाया है, तो क्या कौन सा आप रिकमेंड करेंगे, कौन सा ऐसा चीज़ होगा? सब चीज़ तो अच्छा ही है, क्या खराब है पटना में ये बताइए। एक होगा कि हाँ कुछ क्षण के लिए पूरा पटना को दर्शन, पूरा पटना के पुल पहिया जितना सब दिखाइए, गांधी मैदान दिखाइए, ज्ञान भवन दिखाइए, बापू साहब अगर दिखाइए, चिड़ियाखाना दिखाइए, सब चीज़ें मतलब नया अभी बना, नया में पुल दिखाइए, दीघा पुल दिखाइए, मरीन ड्राइव दिखाइए, पुल को तो जाल बिछा है ना पटना में, सब दिखाइए, मतलब ये सब नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए, हाँ, देखना चाहिए। हाँ वक्त गुजारना चाहिए कि नहीं, वक्त गुजारना एक दिन, अगर मतलब ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को एक दिन बिहार में रहना चाहिए, देखना चाहिए, बिहार को समझना चाहिए। हाँ देखना जरूर चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री का प्रोग्राम तो पहले से शेड्यूल बना हुआ रहता है, उस हिसाब से जितना देर का उनका शेड्यूल बना उतना देर वो रहेंगे, उतना देर रहेंगे, हाँ, और देखेंगे अगर, समझेंगे अगर मांग, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कृपया करेंगे, बस यही हम लोग का मांग क्या रहेगा सर आज, अगर मांग अगर किससे तो, किससे मांग? नरेंद्र मोदी से, देश के माननीय भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हमारा पार्टी का स्टैंड और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह का मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मांग है कि विशेष राज्य को दर्जा दिया जाए। मेरा पहला प्राथमिकता और पहला डिमांड भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग है विशेष राज्य का दर्जा। चलिए तो देखिए किस तरीके से सभी कार्यकर्ता जो हैं वो खुश हैं, और कहना यही है कि नरेंद्र मोदी जब मंच पर होंगे उस वक्त हमारा मांग यही होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।